प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। वीरवर, क्या आपने ही हमारे कुत्ते का मुंह बाणों से बंद किया? गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, लेकिन आप हमारे गुरु भाई कैसे हुए? अपना परिचय दो वीर। गुरुदेव, मैं निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। हमें स्मरण आ रहा है, तुम अपने पिता के साथ हमारे गुरु को लाए थे, लेकिन हमने तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। फिर हमसे गुरु मंत्र लिए बिना तुम अपना गुरु कैसे कह सकते हो? गुरुदेव, आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वह तो आपकी असमर्थता थी, परंतु मैं तो प्राणपण से आपको अपना गुरु स्वीकार कर चुका था। तभी से आपकी इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके मैं धनुर्विद्या सीखता रहा हूँ। आप इन कुमारों को जो सिखाते थे, मैं भी वह छिपकर सीखता रहता। इसका मतलब तुम छिपकर सीख रहे थे? हाँ गुरुदेव, आप कृपा करें और गुरुदक्षिणा लेकर मुझे गुरु ऋण से मुक्त करें। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही बनोगे अर्जुन। ठीक है, तुम कहते हो एकलव्य, तो गुरुदक्षिणा मांगे लेता हूं। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। तो मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दो एकलव्य। अनर्थ है गुरुदेव, गुरुदक्षिणा के बहाने आप मेरे पुत्र को दंडित कर रहे हैं। गुरु का हृदय तो बहुत कोमल होता है, फिर आप इतने निष्ठुर क्यों बन रहे हैं? नहीं माँ, गुरुदेव से ऐसे कठोर शब्द न कहो। नहीं एकलव्य, नहीं। द्रोणाचार्य के मन में पक्षपात है। हम व्याद कुल के लोग इनकी बराबरी न कर सके, इसलिए वे तुम्हारी जड़ ही काट देना चाहते हैं। हाँ पुत्र, ये तुम्हारे गुरु नहीं, ये तो तुम्हारे शत्रु है। नहीं नहीं, मुझे इससे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। रहने दे एकलव्य। दक्षिणा तो अवश्य दूंगा गुरुदेव। गुरुदक्षिणा अर्पित है गुरुदेव। एकलव्य, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं पराजित हो गया। तुम सा शिष्य पाकर यह गुरु धन्य हो गया। मेरा आशीर्वाद है पुत्र, आने वाली पीढ़ियां एक अद्वितीय गुरु भक्त के रूप में सदैव तुम्हारा स्मरण करेगी।